द ग्वालियर में वीर सावरकर सरोवर का दरवाजा खोलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिंदू महासभा ने दरवाजा खोलने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सालों से चली आ रही परंपरा तोड़कर वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्प अर्पित किए थे, इसीलिए हिंदू महासभा ने वीर सावरकर सरोवर को खोलने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया को चिट्ठी लिखी है। ग्वालियर का वीर सावरकर सरोवर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी माना जाता है और ये वो दरवाजा है इस सरोवर का जो पिछले कुछ महीनों से बंद है। हालांकि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस तालाब का पुनर्निर्माण कराया, उसके बाद इसमें पानी भी भर गया और ये बनकर तैयार भी हो गया है, लेकिन अभी तक इस तालाब का प्रमुख दरवाज़ा नहीं खोला गया है, जिसको लेकर ग्वालियर में सियासत भी हो रही है। कभी हिंदू महासभा यहां आकर पोस्टर लगा देती है तो कभी बीजेपी ये दावा करती है कि ये सावरकर सरोवर का निर्माण तो उन्हीं की सरकार ने कराया था। सावरकर सरोवर के बीचों बीच वीर सावरकर की प्रतिमा भी स्थापित है, जिस पर पिछले कई महीनों से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि निर्माण के बाद से ही सरोवर बंद है। हिंदू महासभा नवंबर में ही इसे खोलने को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुकी है और अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसे खोलने के लिए चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आग्रह करती है, आज हमारे जिलाध्यक्ष लोकेश शर्मा जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा है कि आप 3 साल से बंद वीर सावरकर सरोवर जो प्रतिमा स्थल है उसको स्मार्ट सिटी ने जो बंद कर रखा है उसे खोलने का प्रयास करें और अवलोकन करें जिससे कि वो खुल सके। वहीं बीजेपी सांसद विवेक सेजवलकर का कहना है कि फिलहाल सरोवर में निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में कुछ दिनों से सावरकर की मूर्ति तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। कोई कैसे बंद कर सकता है उसको, अगर कोई कहा उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस समय के लिए तो हो सकता है लोगों के लिए वो सुविधा नहीं मिले, पर जब एक नए रूप में उसको बनाया जा रहा है तो कुछ दिन अगर लोग वहाँ पर नहीं जा पाए तो उसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत लोगों को होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने हिंदू महासभा की इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदू महासभा ने सही इतिहास पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि गौड़से से जुड़े हुए लोग कौन हैं और गौड़से को हथियार प्रदान वाले करने वाले परिवार से यदि वो अब मदद मांग रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा इतिहास है। सावरकर सरोवर को खोलने को लेकर चल रही रस्साकस्सी पर राजनीतिक जानकारों का तो यही कहना है कि सावरकर पर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। सावरकर जी ने जिस हिंदू महासभा का गठन किया और जिस हिंदू महासभा का केंद्र ग्वालियर रहा, वहाँ यदि उनकी प्रतिमा ढकी हुई है, उस पर कोई आवरण है, तो ये सामान्य नहीं हो सकता। सावरकर सरोवर और वीर सावरकर की प्रतिमा को लेकर आगे सियासत और भी गर्मा सकती है क्योंकि ये सरोवर बनकर तैयार तो हो गया है, लेकिन उद्घाटन में 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसे बुलाया जाए और किसे नहीं, इसे लेकर प्रशासन असमंजस की स्थिति में है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया और ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।